तैयार है आज का समर स्पेशल बहुत ही रिफ्रेशिंग हेल्दी और टेस्टी वाटरमेलन ड्रिंक। इसे आप वाटरमेलन मोजिटो कहे, वाटरमेलन जूस कहे, वाटरमेलन मिंट लेमोनेड कहे, जो भी नाम दे, ये आपके तन और मन को एकदम शांत कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीतमा। तो ये ड्रिंक को इस गर्मी में ट्राई करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये स्पेशल वाटरमेलन ड्रिंक बनाने के लिए मैंने लिया है एक छोटे साइज का वाटरमेलन या तरबूज। तो सबसे पहले एक स्कूप की मदद से इससे हम इसके पल्प निकाल लेंगे। आप ये तरबूज को स्लाइसेस में काट के इसके लाल वाला पार्ट को निकाल लीजिए। तरबूज का ग्रीन पार्ट को आप बाहर फेंक दीजिए, इसे हमें नहीं चाहिए। दोस्तों, स्कूप की मदद से इससे बहुत ही आसानी से पल्प निकल गया, आप देख सकते हैं। और ये मैंने तरबूज को काट लिया है, इससे हम इसके ड्रिंक बनाएंगे। इससे इसके बीज को पूरी तरह से बाहर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा बीज हटा सकते हैं, या आप चाहे तो इसे रख भी सकते हैं, क्योंकि बाद में हम इसे छान लेंगे। तो अब हम तरबूज को एक मिक्सर जार में डाल देंगे। तो इसमें जितना आ जाए उतना आप पल्प भर लें। अब हम इसमें डालेंगे एक स्पेशल चीज़, वो है कुछ फ्रेश मिंट के पत्ते। इससे ना ड्रिंक बहुत ही रिफ्रेशिंग हो जाएगा और साथ साथ इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है दोस्तों। इससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाते हैं। तो कुछ फ्रेश मिंट्स ले और तरबूज के साथ एक साथ जार में इसे पीस ले। और अब हम इसे एक छलनी की मदद से छान लेते हैं। इसे इस तरह से एक स्पून की मदद से छान ले। और आप देख सकते हैं नीचे तरबूज का फ्रेश जूस कितनी आसानी से निकल गया। दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो हिस्सों में तरबूज को पीस लिया है और आप देख सकते हैं तरबूज और मिंट का फ्रेश जूस बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही लाभकारी हमारे शरीर के लिए। दोस्तों, तरबूज से जूस निकालने का दोनों आसान तरीके हम इस वीडियो में दिखाएंगे। एक तो मिक्सर में एक तरीका हो गया, दूसरा जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है, वो है ये वाले मैशर से इसे मैश करने का तरीका। इस तरह से मैश कर लीजिए, साथ साथ कुछ मिंट के पत्ते इस तरह से पीस लेते हैं। और ये पिसी हुई मिंट के पत्ते इसके साथ मिक्स करके भी जूस आप निकाल सकते हैं। और इसे एक छलनी की मदद से छान लीजिए। इस तरह से भी आप तरबूज से इसका जूस निकाल सकते हैं। बस इसमें अभी डाल देते हैं एक बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ डाल देते हैं एक छोटा चम्मच काला नमक, आधा नींबू को इस तरह से निचोड़ के डाल दें। तरबूज के साथ नींबू का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, अगर आपके पास नींबू हो तो इसमें ज़रूर डालिएगा। अगर आपके तरबूज ज़्यादा मीठा है तो चीनी को आप स्किप कर सकते हैं। तो एक चम्मच से सारे चीज़ों को जूस के साथ मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही स्वादिष्ट बन चुके हैं। तो झटपट इसे दो सर्विंग ग्लास में पोर कर देते हैं। तो सबसे पहले ग्लास में हम डाल देते हैं बहुत सारा आइस, ताकि हमारा ये जूस एकदम चील बने। उसी के साथ फॉर गार्निशिंग दो तीन मिंट के पत्ते, और फिर डाल देते हैं ये रिफ्रेशिंग तरबूज का जूस। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा, इससे इसका स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ साथ ये और भी रिफ्रेशिंग बन जाएगा। और इस गर्मी में तरबूज के जूस के साथ थोड़ा सा सोडा डालने से इसका फ्लेवर को एनहांस करेगा। पर चिंता की कोई बात नहीं, अगर आपके पास सोडा ना हो तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसमें एक नींबू के स्लाइस इस तरह से इसमें डाल दें, और बाकी है दो स्ट्रॉ की। तो तैयार है आज का समर स्पेशल बहुत ही रिफ्रेशिंग हेल्दी और टेस्टी वाटरमेलन ड्रिंक। बस और देर किस बात की दोस्तों, झटपट पी लीजिए ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा वाटरमेलन मिंट लेमोनेड, जो आपके तन और मन दोनों को एकदम शांत कर देगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमस किचन चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।